देखें, सुमेरा और वलीद अभी भी अपनी पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, हालांकि उन्हें अभी एक महीना हो गया देखें। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है ना, अपनी मेमोरीज शेयर कर रहे हैं। और देखो कितनी अच्छी जगहों पे गए ये लोग। क्या हो गया, उदास क्यों हो रही हो? अच्छा, अरे बाबा मुझे ऑफिस से छुट्टियां मिल गई तो हम भी चलेंगे, तुम भी अपनी पिक्चर्स पोस्ट कर लो। क्या मतलब है मिल गई? इतने टाइम से आपने अप्लाई किया हुआ, अब तक तो मिल जानी चाहिए ना। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे इस बार जाना है। अरे मेरी जान, मेरे जो बॉस है ना, अगर वो तुम्हारी तरह स्वीट और सॉफ्ट होते ना तो फिर मैं उन्हें बस ऐसे पटा देता, लेकिन वो बहुत स्ट्रिक्ट है, तुम जानती हो ना। बहरहाल मैंने छुट्टियों के लिए अप्लाई किया हुआ है, मुझे उम्मीद है मिल जाएंगी छुट्टियां। आपको पता है ना मुझे घूमने का कितना शौक है। और आपको भी पता है ना मुझे आपकी ख्वाहिशात पूरी करने का कितना शौक है। इसलिए तो इतने मान से ख्वाहिश करती हूँ, कर देना पूरी। तो फिर इस मान के साथ ये दुआ भी क्या करो कि अल्लाह ताला मुझे इतना दे कि मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। आमीन। वैसे एक बात बताओ, अगर छुट्टियां मिल गई और हमारा जाने का प्लान बन गया तो कहाँ जाने का प्लान है? टर्की। अरे यार, तुमने तो एक सेकंड भी नहीं सोचा, पहले से प्लान किया हुआ है। मैंने पूरी प्लानिंग की हुई है और सारी रिसर्च भी की हुई है, सारी अच्छी जगह देखी कि हमें कहाँ कहाँ जाना है। क्या हुआ, हम नहीं जा सकते? नहीं, आई मीन जा सकते हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि जितने पैसे हमारे पास हैं उसमें हम 20 दिन का प्लान कर सकते हैं। सच? हाँ। तो बस डन हो गया? बस फिर डन, अब खुश? यस। ओके, ऑफिस पहुंचते ही आपने मुझे फोन करना है। ठीक है, लेकिन तुमने तो ये नाश्ता किया ही नहीं, अपना नाश्ता पूरा करना, वेस्ट मत करना। आप जाएंगे तो मैं सब कर लूंगी। वो सुने, मैं बताना बिल्कुल भूल गई, फजीला बाजी का फोन आया था, वो कह रही थी कि उन्होंने घर पे खाने को बुलाया हमें। अरे यार, ये अनप्लान्ड इनविटेशंस है ना, इनसे मेरी जान जाती है, ये लोग वीकडेज में क्यों रखते हैं? एक्चुअली उनका देवर आया हुआ है और वो चाह रही है कि आप भी उनसे मिलें। अच्छा ठीक है, अगर उनके ससुराल का मामला है तो हम चले जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए। और हाँ, प्लीज उनसे कहना कि फजूल खर्ची ना करें, ऐसा ना हो कि वो 18-20 डिशेस रख लें, थोड़ा बहुत रख लेंगे तो चल जाएगा काम। कभी कभार आप बहुत अजीब बातें नहीं कर देते? अब भाई मेहमान आएगा तो मेहमान नवाजी भी तो कोई चीज होती है ना। आपके घर में, हमारे घर में कोई आ जाएगा तो आप दाल रोटी खिला के भेज देंगे? ऐसा नहीं होगा ना भाई, कुछ एहतमाम करेंगे हम भी। देखो, खास एहतमाम में और जरूरत से ज्यादा एहतमाम में बहुत फर्क होता है। दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी जेब पर भी बोझ डालते हैं, और जो हकदार और मुस्तहिक होते हैं ना, उनका हक उन्हें नहीं मिलता। मैं समझ गई मेरे एतदाल पसंद हस्बैंड, अब मुझे लग रहा है आपको देर हो रही है और आपको जाना चाहिए। ठीक है, और हाँ, अपनी बाजी से वही कहोगी ना जो मैंने सिखाया है? जी, मैं बिल्कुल वो नहीं कहूंगी जो आपने कहा है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं सर। देखो फजल, अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हारी मदद जरूर कर देता। मैं भी मजबूर हूं, कंपनी पॉलिसी से अगेंस्ट नहीं जा सकता मैं। सर ये मेरे इकलौते बेटे की जिंदगी का सवाल है सर, अगर मैं रकम इकट्ठी नहीं कर पाया तो मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगा सर। अब तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो। नो सर, ऐसी बात नहीं है सर, आप ही अस्पताल की रिपोर्ट देख लें सर। आप हाँ भेज दो, ये रिपोर्ट देख के क्या करूंगा मैं। मे आई कम इन सर? हाँ या कम इन, कम इन, आओ बैठो। थैंक यू सर। तो सर मैंने छुट्टियों के लिए अप्लाई किया था, अप्रूवल का वेट कर रहा था। अरे वो तो मैंने अप्रूव कर दिए, तुम शाजिया से लेटर ले लेना। थैंक यू सो मच सर।
वैसे कहाँ जाने का इरादा है? इंशाल्लाह टर्की। गुड, हैव अ नाइस ट्रिप। थैंक यू सर। अब देखो, इनका मुतालबा जायज था, मैंने अप्रूव कर दिया। हालांकि 6 महीने पहले इन्होंने अप्लाई किया था, मैंने रिजेक्ट कर दिया था। देखो फसल, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने एम्प्लॉइज को जहां एकोमोडेट कर सकूं कर देता हूं। मैं काम करता हूं, तुम्हें ऑफिस से 50,000 रुपए दिलवाएगा, ओके? सर 50,000 से मेरा क्या बनेगा सर? सर जरूरत तो मेरी 10 लाख रुपए की है सर, प्लीज। मेरे बेटे की जिंदगी आपके हाथों में है सर। व्हाट डू यू मीन मेरे हाथों में है? और ये बात बात पे तुम अपने बेटे का वास्ता मुझे क्यों दे रहे हो? यूं अगर कुछ हो गया तो तुम तो मुझे ही जिम्मेदार ठहराओगे, और मैं तुम्हारी मदद अपनी जेब से तो करने से रहा। फर्ज करो मैं मदद कर देता हूं तो यहां हर दूसरा आदमी सवाली बनकर आ जाएगा। यहां ऑफिस में हर एक जरूरतमंद है, सबको पैसों की जरूरत है, हम किस किस की मदद करेंगे? लुक, ये ऑफिस है ऑफिस, कोई खैराती इदारा नहीं है। ये मैं कौन हूं? यहां तो लोग ये समझते हैं कि जैसे हमने पैसे बनाने की मशीन लगा रखी है। हैव अ प्लेजेंट ट्रिप। थैंक यू सर। टेक केयर। सीज़ ऑन। गुड बॉय। वो फजल को 50,000 रुपये दे दीजिएगा। अच्छा किया आपने कॉल कर ली, मैं आपको ही कॉल करने वाली थी। मैं और जुनीद आ जाएंगे दावत में। अच्छा चलो गुड है। और कुछ कहा तो नहीं तुम्हारे तनकीद निगार शोहर ने? आप तो उनके नीचे जानती हैं ना, उन्हें ये आलीशान दावतों का खाना जिया लगता है। अरे हाँ भाई, जुनीद के ख्यालात को तो सभी जानते हैं, मैं तो तुम्हें ऐसे ही छेड़ रही थी। और अच्छा ये तो बताओ क्या प्लान बनाया, कब जा रहे हो तुम लोग घूमने फिरने? अब देखो जैसी छुट्टी मिल जाती है तो उसके 2-3 दिन बाद हम निकल जाएंगे। अच्छा ये तो बताओ वीजा वगैरह लगवाया या नहीं? सब कुछ हो चुका है, सारी तैयारी हो चुकी है, बस टिकट्स कंफर्म करवानी है। चलो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगी। अच्छा ये तो बताओ टर्की से मेरे लिए क्या लेकर आओगी? पहले जाने तो दीजिए, वहाँ जाऊंगी फिर देखूंगी क्या क्या लाना है। हाँ वैसे ये बात तो सब जानते हैं कि तुम जब भी किसी ट्रिप पर जाती हो तोहफे तो दिल खोल के लेकर आती हो। साहिर सी बात है, बंदा इतनी दूर जाता है तो वहाँ की सौगात लाना तो बनता है ना, तभी तो सब जाके खुश होते हैं, सिवाय ना ही फूफो की बेटियों के, बस वही खुश नहीं होती। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, इस दफा भी मैं तुम्हारा टर्की जाने का सुनकर भाई जल भुन के कबाब हो गई थी। जलने दे, जिन लोगों का काम होता है ना दूसरों की खुशियों से जलने का, उनको और जलाना चाहिए। ये तो तुम सही कह रही हो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहां से करूंगा इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त मैं? या अल्लाह तू ही मेरी मदद कर, कहां जाऊं किसका दर खटखटाऊं? फजल बेटे को हुआ क्या? हार्ट सर्जरी होनी है उसकी, डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख दे दी है। अगर उस वक्त तक पैसों का बंदोबस्त ना किया गया तो अगली तारीख 2 महीने बाद की मिलेगी, और तब तक मेरा बेटा सर्वाइव ना कर पाया तो। हौसला करो यार, अल्लाह सब ठीक कर देगा। अल्लाह ही का तो आसरा है जुनैद भाई, उसके बंदों ने तो मुंह मोड़ लिया। लेकिन अल्लाह कभी अपने बंदों से मुंह नहीं मोड़ता, वो कोई ना कोई वसीला जरूर पैदा कर देगा। मैंने अपनी सारी सेविंग्स, बीवी का जेवर, इवन कि अपनी गाड़ी तक बेच दी है, फिर भी 10 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। मैं अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को मरता नहीं देख सकता। खुदा कभी किसी बाप को इतनी बड़ी आजमाइश में ना डाले। हिम्मत से काम लो और उस मालिक पर,
उस अल्लाह पर भरोसा रखो जो हम सबको 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। बस उसी के भरोसे तो खड़ा हूं, वरना कब का ढह नहीं गया होता। कहां से करूंगा इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त मैं? ए अल्लाह, तू ही मेरी मदद कर। कहां जाऊं, किसका दर खटखटाऊं? जुनैद, कॉफी आपकी। थैंक यू। आपने बताया नहीं, क्या हुआ ऑफ का? हाँ, वो अप्रूव्ड हो गई है। अरे, इतनी खुशी की खबर आप ऐसे उदासी से सुना रहे हैं? नाइला, दरअसल वो क्या? वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही तबीयत अजीब सी हो रही है। तबीयत अजीब सी है तो हॉस्पिटल चलते हैं ना? नहीं, वैसा भी कुछ नहीं है कि डॉक्टर के पास जाएं। ऐसा कैसे कुछ नहीं है, हमें सफर पे जाना है, इस तरह सफर में जाएंगे? नाइला, अभी तुम तैयारी मत करना। जुनैद, ऐसे कैसे तैयारी ना करूं, तैयारी तो करनी है ना। मैंने तो सुना है टर्की में बहुत ठंड होती है, सर्दी के कपड़े नहीं लूंगी क्या? हम ऐसे जाएंगे क्या? मैं भी मेंटली प्रिपेयर नहीं हूं, थोड़ा उलझा हुआ। क्या हुआ जुनैद, कोई बात है तो मुझसे शेयर करें प्लीज। कुछ हुआ है ऑफिस में? कुछ हुआ है? करूंगा शेयर, तुम्हारे अलावा और किससे कहूंगा, लेकिन फिलहाल अभी नहीं। प्लीज मुझे भी इंसिस्ट मत करना, सर में बहुत दर्द होता है। अच्छा बाबा, अच्छा, नहीं करूंगी इंसिस्ट। मैं आपके लिए पेन किलर लेकर आती हूँ, ठीक है? क्या कर, एक तरफ नायला की एक्साइटमेंट, उसकी ख्वाहिश, और दूसरी तरफ अफजल भाई के बच्चे की जरूरत। या अल्लाह मेरी मदद कर। फजल, आप दिल छोटा ना करें। अगर आप भी हिम्मत हार गए तो मेरा क्या बनेगा? मुझे अपने बॉस पे पूरी उम्मीद थी कि वो पैसे दे देंगे, पर उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया। आपको अपने बॉस से नहीं, अपने रब से उम्मीद लगानी चाहिए। अगर एक दर बंद होता है तो वो दूसरा खोल देता है। जुम्मे वाले दिन अली का ऑपरेशन है, कल शाम तक पैसे जमा करवाने हैं, कहां से होगा बंदोबस्त? इतनी बड़ी रकम कहां से लाऊंगा मैं? आप अल्लाह पे भरोसा रखिए, अगर वो हमें औलाद जैसी नेमत से नवाज सकता है तो इसकी उम्र दराजी भी उसी के बस में है। वो अपने बंदों की दुआओं को कभी मायूस नहीं होने देता। बेशक किश्वर, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मगर मैं इस वक्त इस आजमाइश से घबरा रहा हूँ। अल्लाह हमें जल्द इस आजमाइश से निकाले। इंशाल्लाह, अल्लाह अपनों पे ही आजमाइश लाता है, कभी देकर आजमाता है तो कभी लेके। इंसानों को लगता है कि जैसे वो हमारे सदका, खैरात और फितरानों को देखता है, बिल्कुल नहीं, वो तो हमारी नियत और इरादों को देखता है। हमारी नियत और इरादे बहुत मजबूत है, कहीं से कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, कहीं से रोशनी भी आएगी। मैंने तो सुना था कि माओं का दिल बच्चों के मामले में बहुत नरम होता है, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा बहादुर निकली। ये बहादुरी नहीं, मुझे मेरे अल्लाह पे यकीन है कि वो अपने मानने वालों की दुआएं
कभी रायगढ़ नहीं जाने देता। जुनेद, नाश्ता रेडी है, आके नाश्ता कर लें। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ट्रेवल एजेंट के पास जाना मत भूलिएगा वापसी में। नायला, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपना प्लान पोस्टपोन कर दें? नो, नो वे। मेरी सारी तैयारियां हो चुकी हैं और ऐसे 11th आवर पे हम कैंसिल नहीं कर सकते। कैंसिल करने का नहीं कह रहा, बस 2-3 महीने आगे करने का कह रहा हूँ। नॉट एट ऑल, सवाल ही पैदा नहीं होता जुनेद। हम जाएंगे तो इसी वीक जाएंगे। ओके, आई विल ट्राई। जुनेद, ट्राई? ट्राई मतलब ट्राई, आई विल ट्राई। अच्छा, कोट पहना दो मुझे। नाश्ता नहीं करेंगे? एक्चुअली ऑफिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, नाश्ता वहीं कर लूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। याद से करना है ये जुनेद। हाँ, कहो नायला। जुनेद, कहाँ हैं आप? ऑफिस में। आप अभी तक ऑफिस में हैं? अरे यार, बस एक जरूरी काम है तो ऑफिस में थोड़ी देर लगेगी मुझे। अच्छा, फिर आप एक काम करें, आप टिकट्स ऑनलाइन करवाएं, ठीक है? और पेमेंट भी आप ऑनलाइन कर दें, ऐसा ना हो आपके बैठे रहने की वजह से एजेंसी बंद हो जाए। हेलो। हाँ, मैं बाद में बात करता हूँ। जुनेद, क्या प्रॉब्लम है? ना आप उससे बात कर रहे हैं, ना कुछ बता रहे हैं। हार्ट सर्जरी होनी है उसकी, डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख दे दी है। ये क्या तरीका है? अस्सलाम वालेकुम, फजल साहब हैं, उनका बच्चा एडमिट। थैंक यू, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। अरे जुनेद, आप प्लीज बैठ। कैसी तबीयत है उसकी? अभी तक पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पाया। ₹10 लाख उसे जितना हो सका मैंने किया है, लेकिन अगर आगे भी जरूरत पड़ेगी तो मैं कोशिश करूंगा आपकी मदद कर सकूं। आप प्लीज ये पैसे रख लें। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं। आपने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी, मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूंगा। एक भाई जब दूसरे भाई की मदद करता है ना, तो वो एहसान नहीं होता, उसका फर्ज होता है। आप वाकई एक दर्दमंद इंसान है, अल्लाह आपको उस भलाई का अजर जरूर देगा। आप अपनी दुआओं में याद रखें, ये जो आपकी दुआएं हैं ना, ये मेरा अजर है। बस मेरा बेटा एक बार ठीक हो जाए, मेरे हालात अच्छे हो जाए, आपकी पाई पाई चुका दूंगा। मेरी फिक्र मत करें आप, ये पैसे जाके जमा करवाएं ताकि ऑपरेशन हो सके। आप वाकई एक नेक दिल इंसान हैं। अब आप मुझे शर्मिंदा कर दें, आप चाहें जमा करवाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
अभी तो मैंने तुम्हें असल बात बताई नहीं और तुम अभी से नाराज हो गए। ऐसी क्या बात है जो आप मुझे बताएंगे तो मैं और नाराज हो जाऊंगी? हम ट्रिप पर नहीं जा रहे। क्या, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं यही कह रहा हूँ कि अभी हम टर्की नहीं जा रहे। मगर क्यों? सारी चीजें तो लाइनअप थी, अचानक क्या हो गया? एक जरूरी काम आ गया। जुनेद, ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो हमारी खुशी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? किसी की जान बचाना। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप साफ साफ बताएं। मेरे कोलीग हैं फजल साहब, बहुत नेक इंसान है। तो क्या आगे? फजल साहब का एक इकलौता बेटा है, बचपन से उसके दिल में सुराख है। उसके ऑपरेशन के लिए उन्हें पैसे चाहिए, तो कुछ पैसे तो आपने वो पैसे वहां दे दिए? हाँ, मैंने वो पैसे उन्हें दे दिए, लेकिन यकीन जानो ये फैसला मैंने अपने दिल पर बोझ रखकर किया है, क्योंकि मुझे तुम्हारी खुशी और तुम्हारी ख्वाहिश का ख्याल था। इसीलिए तो आपने वो किया ना जो आप चाहते थे। मेरी खुशी तो रद्द कर दी ना। अरे रद्द नहीं की भाई, बल्कि अल्लाह की खुशनूदी के लिए बस कुछ दिन के लिए टाल दी है। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, हमें एक नेकी करने का मौका मिल रहा है। जो नेकी अपनी ख्वाहिशों को और जरूरतों को मारकर की जाए, उसका बहुत बड़ा अजर होता है। नायला प्लीज। जुनेद, अभी मुझे इस मौसम पे बात नहीं करनी, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे फिलहाल। हाँ हाँ बेटा, तुम एकदम ठीक हो जाओगे। पर अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट भी खेल पाऊंगा? हाँ मेरे बच्चे, तुम क्रिकेट भी खेलोगे और खूब पढ़ाई करके बड़े आदमी भी बनोगे। मैं खूब पढ़ूंगा और फिर डॉक्टर बनूंगा। अम्मी, मैं अपने मरीजों का मुफ्त में इलाज करूंगा। अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने ऑपरेशन के सारे पैसे जमा करवा दिए हैं। जुम्मे की सुबह इसका ऑपरेशन होगा। क्या आप सच कह रहे हैं, सारे पैसों का बंदोबस्त हो गया? अल्लाह के एक बंदे ने हमारी मदद कर दी। तुम्हारा यकीन और भरोसा जीत गया किशोर, तुम बिल्कुल सही कहती थी। कभी भी अपने खुदा से यह मत कहो कि तुम्हारी मुश्किलें बड़ी हैं, बल्कि मुश्किलों से यह कहो कि हमारा रब बहुत बड़ा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तू सच में गफूर रहीम है। तू अपने मानने वालों की दुआएं कभी रद्द नहीं करता। अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे मेरी जान। आमीन। नायला, नाश्ता लगा दी? लगा दिया।
शाम को तैयार रहना, ऑफिस से जल्दी आ जाऊं। किस लिए? क्या मतलब किस लिए? हमें आज दावत में जाना है ना, फजीला बाजी के यहाँ भूल गई। मेरा मूड नहीं है। क्या मतलब मूड नहीं है? हम कमिटमेंट कर चुके हैं, अब नहीं जाएंगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। कमिटमेंट तो बहुत सारी चीजों की हो चुकी है, वो भी तो कैंसिल हुई है ना, क्या फर्क पड़ता है? तुम अच्छी तरह जानती हो कि उस कैंसिलेशन के पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग वजह है। इस कैंसिलेशन के पीछे भी बहुत स्ट्रॉन्ग वजह है। लोग मुझसे ना जाने की वजह पूछेंगे और वजह जानने के बाद आपकी तो तारीफ कर देंगे आपके मुंह पर मेरे लिए पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाएंगे। क्यों मजाक उड़ाएंगे? हमने एक नेकी का काम किया है, कोई गुनाह तो नहीं किया? जी मगर नेकी का काम तो आपने किया है ना, मैं तो सबको प्लानिंग्स बताती फिर रही थी। अच्छा ठीक है, फिर हम नहीं जाते, आप कम से कम मेरे साथ बैठकर नाश्ता तो करो। मुझे भूख नहीं है। नायला प्लीज, अब इस तरह खाने पर तो अपना गुस्सा मत निकालो ना, प्लीज बैठो ना। कब का मैं नाश्ता नहीं कर रही, मैं खाना नहीं खा रही, भूख लगेगी तो खा लूंगी ना। आप नाश्ता करें, आपको दिल हो रही है। सारी सिचुएशन जानने के बाद भी कम से कम फोन तो उठाओ यार। That's not fair. ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। जैसे खुद ने तो बहुत अच्छा किया ना मेरे साथ। फजीला बाजी भी फोन कर रही हैं, क्या बोलूं इन्हें। अस्सलाम वालेकुम फजीला बाजी। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ थी नायला, कितनी देर से कॉल कर रही हूँ। वो बस थोड़ा बिजी थी। हाँ हाँ भाई, जाने की तैयारियाँ हो रही होंगी। कौन सी तैयारियाँ फजीला बाजी, कहीं नहीं जा रहे हम। क्यों, क्या हुआ? क्या बताऊँ, किस्मत ही खराब है मेरी। नायला क्यों परेशान कर रही हो, बताओ तो सही हुआ क्या है? वो जुनेद की कुली का बेटा है ना, अगर मदद ही करनी थी तो सब ऑफिस वाले मिलके थोड़ी थोड़ी रकम जमा कर लेते, हो जाती मदद। जुनेद को ही सारी रकम देने की क्या जरूरत थी उसके इलाज के लिए।
वही तो, इसीलिए तो मैं नाराज हो गई। भाई सगे रिश्ते इतनी हेल्प आउट नहीं करते, ये है कि पता नहीं तुर्रम खां बनते रहते। खैर खुद ही परेशान हो रहे हैं ना, मैं भी फोन नहीं उठा रही, करते रहे फोन। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए। दो चार दिन तुम ऐसे ही मुंह बना के रखना ताकि उसकी अकल ठिकाने आए और उसे नसीहत हो। दो चार दिन? मैं तो पूरा महीना बात नहीं करूंगी। अभी मैं कुछ नहीं जानती, कहीं से भी ये पैसे करे मुझे टर्की जाना, और जब तक मैं टर्की नहीं जाऊंगी ना तब तक मैं इनसे बात नहीं करूंगी। बिल्कुल सही है, और करना भी यही चाहिए। पहला इंसान देखा है जो अपनी खुशियां कुर्बान करके दूसरों की भलाइयों में लगा हुआ है। नाक तो मेरी कटवा दी ना, पूरी फैमिली में नाक कटवा दी मेरी, कितनी बेइज्जती होगी, सब मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे, खासतौर पे वो नाहिद पप्पू, कितना मेरा मजाक उड़ाएंगे वो लोग अपने घर में। हाँ तो भाई उसने बातें बनाने का मौका जो दिया है। अच्छा खैर सुनो, तुम ना वक्त पर आ जाना, तुम्हें बताया था ना 9 बजे डिनर का टाइम है, सब आ जाएंगे मेहमान। फजीला बाजी मेरा दिल इतना खराब हुआ है, अब आपके ससुराल का मामला है और इस तरह मुंह बना के बैठूंगी, इतना मूड खराब होगा तो कितना बुरा लगेगा। हाँ जुनेद ने भी तो ज्यादती की है ना, किसी और का भला करने में कोई अपनी खुशियां थोड़ी ना कुर्बान करता है। बातें तो बनाएंगे लोग, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं नहीं आती, आप प्लीज माइंड मत कीजिएगा। चलो ठीक है, क्या कर सकते, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी सिचुएशन। थैंक यू फजीला आप ही। चल अब मैं फोन रखती हूँ, ठीक है, अल्लाह हाफिज। चलो ख्याल रखना अपना, अल्लाह हाफिज। किस किस को जवाब दूं, 2% की इज्जत कर दी है मेरी। नायला खाना लगा दो, भूख लग रही है। लग गया? अरे ये कैसे लाई हो खाना, टेबल पे क्यों नहीं लगाया? एक बंदे के लिए क्या खाना लगाऊं? क्यों, तुम खाना नहीं खाओगी क्या? मैंने खाना खा लिया है। मेरे बगैर? जब आप मेरे बगैर इतने बड़े बड़े फैसले कर सकते हैं तो क्या मैं आपके बगैर खाना नहीं खा सकती? इनफ नायला, अब बस कर दो ये टॉपिक, प्लीज यार, फॉर गॉड सेक। मेरे लिए उस वक्त उस बच्चे की जान बचाना बहुत जरूरी था, लेकिन अगर फिर भी तुम में थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी नहीं रह गई ना तो मैं अपनी गाड़ी बेच देता हूँ और फिर हम चलते हैं। प्लीज नहीं जाना मुझे आपके साथ कहीं पे भी, ना मुझे आपसे बात करनी और ना आप मुझसे बात करें। क्यों टॉर्चर कर रही हो मुझे? टॉर्चर का मतलब भी जानते हैं? जानते हैं अजियत क्या होती है? मेरे फ्रेंड्स का ग्रुप देखें, कजन्स का ग्रुप देखें, सब मजाक उड़ा रहे मेरा, सब पूछ रहे टर्की गई या नहीं। हम टर्की खुद के लिए जा रहे हैं या किसी और को दिखाने के लिए? छोड़े यार, नहीं समझाना मुझे आपको। तो समझाओ ना मुझे यार, बात करो मुझसे, इस तरह मसला हल होगा। नहीं करनी मुझे कोई बात, नहीं है मेरा मूड बात करने का, जा रही हूँ मैं सोने। इतने टेंस माहौल में तुम्हें नींद आ जाएगी? हाँ आ जाएगी, मैं दूसरे कमरे में जाके सो जाऊंगी। अरे मेरा ये मतलब नहीं है, मैं चाहता हूँ बस तुम अपना मूड ठीक कर लो यार, मैं तुम्हें इस तरह खराब मूड में नहीं देख सकता, तुम जानती हो ना। सुबह ऑफिस जाने ना आपको, मैं जल्दी सोऊंगी, जल्दी उठूंगी तो जल्दी आपके लिए नाश्ता बनाऊंगी। और छोड़े मेरा, मैं आज अम्मी के घर जाना चाहती हूँ। वजह? इससे पहले तो माँ के घर जाने के लिए कभी वजह नहीं पूछी। अच्छा नाराज क्यों हो रही हो, मूड तो ठीक करो।
वीकेंड पे ले चलूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने इमरान भाई को कॉल कर दी है, वो मुझे आके पिक कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम फजल भाई। जुनैद भाई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बेटे का ऑपरेशन कामयाब हो गया। क्या क्या कहा, ऑपरेशन कामयाब हो गया है? या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है। मैं ऑफिस से वापसी पर चक्कर लगाऊंगा। जुनैद भाई ये सिर्फ आपकी मेहरबानियों का नतीजा है, मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये तो सारे अल्लाह के काम है। और मैंने जो कुछ दिया है आपको वो अल्लाह के दिए हुए में से ही दिया है, आप परेशान ना हो। जी जी, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज अल्लाह ताला ने हमें किसी की जिंदगी बचाने का जरिया बना दिया। नायला तुम इतनी संगदिल कैसे बन सकती हो? तुम्हें पता है आज हमने एक बच्चे की जिंदगी बचाई, उसके माँ बाप दुआएं दे रहे हैं हमें। सीऑफ करने नहीं आओगे? ठीक है, ये मिस निगत को दे दें और जुनैद को मेरे पास दे। ठीक है सर। गाड़ी तैयार करो, मैं 5 मिनट में नीचे आ रहा हूं। मे कम इन सर? या कम इन। सर आपने बुलाया था। हाँ बैठो। थैंक यू। ये A12 वाली साइट की डील तुमने करवाई थी ना? जी सर मैंने की थी। ऐसा करते हैं कि आज उसे विजिट कर लेते हैं ताकि वहां जल्द जल्द काम शुरू हो जाए। श्योर सर। वैसे मिस्टर जुनैद, वो फजल के बेटे के ऑपरेशन के पैसे तुमने दिए थे? जी हाँ सर, मैंने पैसे दिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन कामयाब भी हो गया, बच्चे की जान बच गई। आई एम सो हैप्पी। अच्छी बात है, लेकिन एक बात तुम जानते हो, फजल के जो वसाइल हैं वो सारी उम्र तुम्हारा कर्जा वापस नहीं कर सकेगा। सर मैंने वापस लेने के लिए पैसे नहीं दिए थे, बल्कि वो पैसे मेरे तो थे ही नहीं। तो फिर किसके थे? उसी के जो हम सब का मालिक है। सर वही तो है जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, जिसने हम सबको रिस्क लेने का वादा किया है। हमारा अपना क्या है सर, हम तो उसकी मर्जी के बिना एक पल भी नहीं गुजार सकते और प्लानिंग्स हम सालों की करते हैं। ठीक है, तुम पेपर रेडी करो, 5 मिनट के बाद हम निकलते हैं। श्योर सर। थैंक यू। Thank you.
हेलो जी, बात कर रही हूँ। क्या कह रहे हैं आप? कब? कैसे? कहाँ है? मैं आ रही हूँ। या अल्लाह, अल्लाह करते जुनैद, मुझे माफ कर दो, बहुत बुरा बिहेवियर रखा है मैंने तुम्हारे साथ। या अल्लाह, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। एक्सक्यूज मी, कार एक्सीडेंट केस आया है। एमरजेंसी इस तरफ है। मेरे बॉस से कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। ड्राइवर को भी काफी चोटें आई हैं, लेकिन देखो मुझे खराश तक नहीं आई। अल्लाह ने नई जिंदगी दी है मुझे, पता नहीं कौन सी नेकी काम आ गई। नेकी काम आ गई जो नेकी आपने अल्लाह के रास्ते में की थी। अपने कुलीग के बेटे की जान बचाई थी, उसके सिले में अल्लाह ने आज आपको बचा लिया। आपने एक जान बचाई थी, आज अल्लाह ने आपको बचा लिया। आज मैं जान गई हूँ, अल्लाह किसी का कर्ज नहीं रखता, उसकी राह में खर्च करो तो वो दुगना देता है। बेशक अल्लाह ने तो मुझे मेरी कायनात वापस कर दी, मुझे मेरी जिंदगी लौटा दी। मुझे माफ कर दे जुनैद, मुझे माफ कर दे।